अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड आल्सो रिमेंबर टू प्रेस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट वीडियोस राइट हेयर ऑन यूट्यूब। सो टुडेज लेसन इज अबाउट पार्ट्स ऑफ एसे। एज यू हैव लर्न इन माई प्रीवियस लेसन अबाउट हाउ यू कैन राइट एन इफेक्टिव एंड गुड एसे, टुडे यू विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ एसे। सो लेट्स स्टार्ट। So basically, an essay has three parts: introduction, body paragraphs, and conclusion. So let us discuss it one by one. So first of all, we will discuss about introduction of essay, which is the first part of essay. An introductory paragraph is the first paragraph in an essay. It contains two parts. So basically, you have to introduce the topic of your essay in the introductory paragraph. So then introductory paragraph have two parts: general statements and a thesis statement. So in general statements, a few sentences about your subject that catch the attention of reader, you have to introduce that paragraph. उस paragraph के अंदर हमें एक introduction देना पड़ता है ताकि पढ़ने वालों को इस बारे में पता चल जाए कि हम लोग basically किस topic या किस subject के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोग इधर उधर की बातें करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा हमेशा उस टॉपिक से रिलेटेड बात की जाती है ताकि पढ़ने वाले को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं या हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। सो सेकेंड इज इट्स थीसिस स्टेटमेंट। सो वन सेंटेंस दैट टेल्स योर रीडर द मेन पॉइंट्स ऑफ योर एसे एंड स्टेट्स द ओवरऑल प्लान ऑफ योर एसे। सो वी हैव टू राइट अ स्टेटमेंट by which people can understand that what is the plan of our essay, by which topic we are discussing in this essay and what we want to introduce to our readers. So इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग एक general statement दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें एक thesis की statement भी देनी चाहिए। So basically thesis की statement क्या चीज़ होती है, वो कुछ main points होते हैं जिनके थ्रू रीडर को पता चल जाता है कि इस एसे के अंदर किस चीज़ के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है वो ख़त्म हो जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट इट सेकंड पार्ट, दैट इज बॉडी पैराग्राफ्स। सो बेसिकली इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ कंटेन ऑन फ्यू लाइन्स और इट विल बी वन पैराग्राफ। देन बॉडी पैराग्राफ कंटेन्स थ्री पैराग्राफ्स। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पैराग्राफ्स फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन। अब जो बॉडी पैराग्राफ हैं उन्हें इंट्रोडक्शन को फॉलो करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में कोई और बात की गई है और बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर कोई और बात की गई है। हमें उसी चीज़ को मज़ीद अलैबोरेट कर देना चाहिए नीचे। ईच पैराग्राफ सपोर्ट्स द मेन आइडिया ऑफ योर एसे बाय ब्रेकिंग इट डाउन इंटू स्मॉलर आइडियाज़ और सब टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पोल्यूशन के बारे में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो हम लोग बेसिकली जो स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट अप विद दी डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन और व्हाट पोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ। सेकेंडली बॉडी पैराग्राफ में हम लोग ये बात करेंगे दैट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, व्हिच आर दोज फैक्टर्स व्हिच क्रिएट पोल्यूशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड हाउ वी कैन इरेडिकेट दोज इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। सो ये क्या है, ये हमें कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। Each body paragraph consists of a topic sentence and several supporting sentences. So basically हर paragraph का एक topic होना चाहिए। जैसे body paragraph में first paragraph contains the effects of pollution. Now elaborate those effects with the supporting sentences. Then moving towards the second step. Second step के अंदर या second paragraph के अंदर आप लोग कुछ वजहें लिखते हो, ठीक है, कि अगर इन वजहों से दूर रहा जाए तो हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। देन मूविंग टूवर्ड्स अ थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आप लोग उस सारे की एक बेसिकली कंक्लूड कर देते हो। कंक्लूड का क्या मतलब है कि पहले पैराग्राफ में आप लोगों ने इफेक्ट्स बताए, सेकेंड में उसकी इरेडिकेशन बताई, थर्ड के अंदर आप लोग उस एक्सप्लेन कर दें कि हम लोग किस तरीके से इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम करें तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अ कंक्लूजन सेंटेंस ड्रॉज द पैराग्राफ टुगेदर। तीनों पैराग्राफ्स का इस तरीके से आपस में कनेक्शन होगा एंड ऑल दीज थ्री पैराग्राफ्स हैव कनेक्शन विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑल्सो। सो द थर्ड पार्ट ऑफ द एसे इज कंक्लूजन।
The conclusion paragraph is the last paragraph in the essay. It completes the essay by summarizing or repeating the most important ideas. The conclusion can also include an opinion, a prediction, or a solution to a problem. So basically, that what the topic is, we will conclude it by setting some solution, by giving some predictions, by giving some opinions. So basically, an essay consists of three basic parts. Here is a flow diagram. Firstly, introduction, then body paragraph number one, then body paragraph number two, then body paragraph number three, and after all, we will conclude this essay by conclusion. So let's take an example. An introduction, for example, going to a new school. हमारा essay है, उसका topic है that going to new school. So going to new school can be exciting, but for an international students, the years of education in a different country can be difficult and tumultuous. When I first arrived in US to attend a university, I was overwhelmed and confused by everything new. So this is the introduction that what the topic is about. अब इस introduction को हमें पढ़ के ये पता चल गया है कि that a student who is moving towards a new school, और उसके दिल में क्या चल रहा है और उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ही विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन दोज स्टेटमेंट्स. देन अ थीसिस स्टेटमेंट. फॉर्चुनेटली आई मेट थ्री वेरी स्पेशल फ्रेंड्स हु मेड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ ड्यूरिंग दोज ईयर्स एंड हेल्प मी सर्वाइव द ट्रायल्स ऑफ बीइंग अ फॉरेनर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम. नाउ इट्स बेसिक थीसिस स्टेटमेंट. अब इस पूरे ऐसे में उसका जो बेसिक मकसद है वो तीन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उसकी लाइफ कुछ चेंज की. देन मूविंग टुवर्ड्स द बॉडी पैराग्राफ, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल आई मेट वॉज जो फ्रेडा. नाउ ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स नेम. फ्रेंड्स के नेम, उनकी क्वालिटीज, ये सारी हम लोग बता देंगे, ठीक है. देन वो उन्हें इन्फॉर्म करेगा कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ उनके साथ, मैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये सारे उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेज होंगे. Then in last of the paragraph you have to give a concluding sentence. If I had not met Joe that day, I might still be looking for the right books for my classes. अब उसने ये इस एक स्टेटमेंट से उस फ्रेंड के बारे में हर बात एक्सप्लेन कर दिए. Then last you have to conclude your essay. ऐसे की कंक्लूजन मस्ट होती है. जब भी आप लोग कोई ऐसे लिखते हैं उसका एक प्रॉपर स्टार्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर एंडिंग होनी चाहिए. यू हैव टू बेसिकली समराइज योर एसे ऑफ योर मेन आइडियाज. द सिग्निफिकेंस ऑफ द काइंडनेस दैट दीज थ्री पीपल शोड मी एंड द इम्पैक्ट दैट इट हैज़ मेड ऑन माई लाइफ ड्यूरिंग माई एक्सपीरियंस एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एट स्टेट यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड. नाउ ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट द काइंडनेस एंड फ्रेंडशिप. अब बेसिकली तो इसने एक्सपीरियंस यही चीज़ें की हैं वहाँ से. आई विल नेवर फॉरगेट देयर फ्रेंडशिप एंड विल रिमेंबर देयर एग्जाम्पल्स ऑफ काइंडनेस टू मी वेन एवर आई इनकाउंटर अदर फॉरेनर्स इन माई ओन कंट्री. अब ये एक टाइप का इसने अपने आप से प्रॉमिस किया, एक रेजोल्यूशन किया दैट वेन एवर ही ऑल्सो इनकाउंटर विद अ फॉरेनर ही विल हेल्प हिम एज दीज थ्री पीपल हेल्प्ड हिम इन अ फॉरेन कंट्री. So here our essay is packed. So hope you learn well about parts of essays today. If you have any query, do comment me. If you like this video, give it a thumbs up by hitting like button. Also remember to subscribe my channel and hit bell icon so that you can get my latest videos right here on YouTube. Happy learning and we'll see you in other lessons. Allah Hafiz.